हेलो फ्रेंड्स, हम मुस्तफा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आई मोबाइल ऐप में एक नया फीचर अपडेट हो चुका है वर्चुअल डेबिट कार्ड का, जहां से अपने डेबिट कार्ड को अपने फोन में आप देख सकते हो। जैसे जनरली कार्ड की डिटेल्स होती है, कार्ड की एक्सपायरी, कार्ड का नंबर, कार्ड का CVV नेम, ये सारी डिटेल आपके अब फोन में ही होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर कभी आप कार्ड वगैरह कैरी नहीं करते हो, अगर आपको डिजिटली यूज करना है या कार्ड का भी ऑनलाइन यूज करना है, तो वहां से डिटेल देके आप इजीली अपने कार्ड को यूज कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट ICICI बैंक में है तो जाहिर सी बात है इसका आई मोबाइल ऐप भी आप यूज करते होंगे। अगर आप नहीं भी यूज करते तो कोई बात नहीं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं कैसे आपको फर्स्ट टाइम आई मोबाइल ऐप में रजिस्ट्रेशन करना होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो वर्चुअल डेबिट कार्ड के साथ साथ इसके और भी फीचर्स के बारे में हम जानेंगे डिटेल में, जैसा कि कार्ड को ब्लॉक अनब्लॉक करना, पिन को जनरेट करना, कार्ड के ऑफर्स चेक करना, CVV को हाइड अनहाइड करना, कार्ड नंबर को कॉपी करना, डेबिट कार्ड की लिमिट को एडजस्ट करना, शॉपिंग वाली लिमिट एडजस्ट करना, ई कॉमर्स की लिमिट को एडजस्ट करना, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को कैसे मैनेज करना है, एक्सपायरेशन कार्ड क्या होता है, कार्ड को कैसे रीइश्यू करना होता है, रिवॉर्ड्स पॉइंट्स आपको कैसे चेक करने हैं, ये सारी चीज सीखेंगे हम एक ही वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं फोन की स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, ये है आई मोबाइल ऐप, इस ऐप में हम करेंगे लॉगिन। अगर आपने अब तक इसमें लॉगिन या रजिस्टर नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप देख सकते हो कैसे आपको फर्स्ट टाइम आई मोबाइल ऐप में रजिस्ट्रेशन करना होता है। बहुत इजी प्रोसेस है, आप जाके पहले देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको लॉगिन कर लेता हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हो, आप इसके होम पेज पर आ जाओगे। यहां पर आपको दिखेगा डेबिट कार्ड का ऑप्शन, ये आप देख सकते हैं, जबकि पुराने वर्जन में यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन आता था। ये आप साइड में स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो मैनेज, ठीक है। तो चलिए हम डेबिट कार्ड पे क्लिक करते हैं और इसके सारे फीचर्स के बारे में एक एक करके हम जानते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड आ रहा है, जहाँ पे आपका कार्ड नंबर, कार्ड की एक्सपायरी, नेम, CVV सारा ऑप्शन है, जो कि आपका जनरली कार्ड में होता है डेबिट कार्ड के। चलिए इसके एक एक फीचर के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कार्ड ब्लॉक का ऑप्शन, कार्ड ब्लॉक पे जाके आप अपने कार्ड को ब्लॉक अनब्लॉक भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कार्ड टाइप में जाके अपना कार्ड सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैं अपना डेबिट कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए डेबिट कार्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्लॉक तो दिख ही रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट अकाउंट में जाके आपको अपना अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका अकाउंट है। यहाँ से हम अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको सिलेक्ट कार्ड नंबर पे क्लिक करना है, जो भी आपका डेबिट कार्ड नंबर है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये मेरा डेबिट कार्ड नंबर है, मैं आप सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे परमानेंटली का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। आप इस पर क्लिक करके परमानेंटली, टेम्पररी, जो भी आप चाहें, एग्जाम्पल के लिए मैं टेम्पररी पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रीज़न रिमार्क में कोई भी रीज़न दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे पर्सनल लिख देता हूँ। इसके बाद सबमिट करोगे तो आपका टेम्पररी कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरा फीचर के बारे में आते हैं। यहाँ पे आपको देखोगे जनरेट पिन, तो जनरेट पिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप पिन भी जनरेट कर सकते हो। मैं आपको पिन जनरेट कर दिखा देता हूँ। अकाउंट नंबर में जाके आपको अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ से अकाउंट नंबर सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपको डेबिट कार्ड नंबर सेलेक्ट करना है यहाँ से, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको CVV एंटर करना है, जो भी कार्ड के पीछे 3 डिजिट का CVV होता है वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। इसका जो भी पिन बनाना चाहते हो 4 डिजिट का, वो आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। मैं यहाँ से एंटर कर लेता हूँ। सेम पिन नीचे आपको कंफर्म पे एंटर करना है, दोबारा से एंटर कर लीजिए। इसके बाद आप सबमिट करना है आपको, यहाँ से इसको करना है सबमिट। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पेज इस तरह से आएगा। यहाँ पे आपको हर अल्फाबेट के नीचे 2-2 डिजिट के नंबर मेंशन होते हैं कार्ड के बैक साइड में, जिसको हम ग्राइड ऑप्शन भी कहते हैं, वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेने हैं। तो यहाँ से मैं एंटर कर लेता हूँ, जो भी आपको उस टाइम दिखे उसके अकॉर्डिंग वो आपको एंटर करके सबमिट कर दोगे तो आपका पिन जनरेट हो जाएगा सक्सेसफुली। ये आप देख सकते हो पिन जनरेट हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन था ऑफ़र का, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब आप ऑफ़र पे क्लिक करोगे तो जो भी आपके कार्ड पे उस टाइम ऑफर, रनिंग ऑफर होंगे, वो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। आपको कस्टमर केयर पे अगर आप कॉल करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप ऑफ़र पे जाइए। जो भी कार्ड पे ऑफर होंगे, लोन का हो या कार्ड का ऑफर हो या शॉपिंग का हो, सारा आपको यहाँ शो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दिखेगा आपको CVV का ऑप्शन, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो जो भी आपका CVV नंबर होगा वो आपको शो हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और इसको अगर आप ऑफ़ कर दोगे तो CVV आपका हट जाएगा, या देखते हैं। इसके अंदर कॉपी कार्ड नंबर, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो अपने कार्ड नंबर को आप कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नीचे आ रहा है डेबिट कार्ड लिमिट सेटिंग, ठीक है। यहाँ से आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को आप मैनेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल के लिए मैं डोमेस्टिक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ATM ट्रांजेक्शन है और POS और ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो पहले मैं ATM ट्रांजेक्शन को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी इसको आप कर सकते हो। तो पहले मैं ATM ट्रांजेक्शन को बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ATM वाले पे।
तो फिलहाल जो लिमिट है मेरी 50,000 की है, मैं इसको लाख रुपए पे जाके सेट कर सकता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है 50,000 से कम भी कर सकते हो, 50,000 से ज़्यादा बढ़ा भी सकते हो, ठीक है, इसको आप सेट कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है पोज और ई कॉमर्स, नीचे आप देख सकते हो, ठीक है, ये वाला, ठीक, इस पर क्लिक करके हम इसको सेट करेंगे। फिलहाल ये जो लिमिट है 1-1 लाख की लिमिट है, आप देख सकते हैं। पोस्ट ट्रांजेक्शन में वो सारी ट्रांजेक्शन आती है कि जो भी आप अपना कार्ड ऑनलाइन के अलावा आप यूज़ करते हो, लाइक स्टोर में, मॉल्स में या शॉप में आप कार्ड देते हो, पिन एंटर करते हो या कार्ड को स्कैन करके पेमेंट करते हो, ये सारा ट्रांजेक्शन पोस्ट ट्रांजेक्शन में आता है। इसके बाद ई कॉमर्स में आपका ऑनलाइन शॉपिंग आता है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या किसी वेबसाइट पर शॉपिंग करते हो, सारा ई कॉमर्स में आता है। तो चलिए एक कर इसको मैनेज करते हैं। पहले हम इसको मैनेज कर लेते हैं पोज वाले को, ठीक है, मैंने इसको सेट कर दिया, मैं इतने सेट कर देता हूँ। इसके बाद चलिए ई कॉमर्स वाले को सेट करते हैं। जो भी आप लिमिट सेट कर दोगे उस पर ये सेट हो जाएगा, उसके बाद इससे ज़्यादा कार्ड आपका यूज़ नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद नीचे आपको दिखेगा सबमिट का ऑप्शन, आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो ये सेव हो जाएगा जो भी आपने यहाँ पे चेंजेस किए, सक्सेसफुल यहाँ पे चेंज हो चुका है, ये आप देख सकते हो। इसका जो नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेशनल का, यहाँ से भी आप लिमिट को सेट कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसको आपको हमेशा डीएक्टिवेट या ऑफ करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी क्या एक्टिवेट आ रहा है डिफॉल्ट, ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसको कर देना है डीएक्टिवेट, क्योंकि ज़्यादा जो फ्रॉड के चांसेस वगैरह जो होते हैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में ही होते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने इसका कर दिया ऑफ, आप भी इसको ऑफ कर दीजिएगा। इसके बाद नीचे आप देखोगे नीचे बोथ का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, आप बोथ पे क्लिक करोगे तो दोनों ट्रांजेक्शन को एक एक करके मैनेज कर सकते हो। आप इंटरनेशनल पे क्लिक करोगे तो इंटरनेशनल का ऑप्शन आ जाएगा, डोमेस्टिक पे क्लिक करोगे तो डोमेस्टिक आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके जो नेक्स्ट ऑप्शन है गेट एक्सप्रेशन कार्ड, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप अपनी फोटो या इनकी कोई गैलरी की फोटो आप अपने ATM डेबिट कार्ड पर लगा सकते हो, ठीक है, ये आप डिटेल देख लीजिए। इनके पास 300 से ज़्यादा डिज़ाइन है, ठीक है, काफ़ी सारी कैटेगरी के फोटोज़ हैं, आप अपनी भी लगा सकते हो और इनकी भी गैलरी से चूज़ करके लगा सकते हो। अगर आपको कोई भी फोटो लगाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखा होगा टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है यहाँ से, देन इसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा अपलोड योर पिक, ठीक है, अपलोड योर पिक पे आप क्लिक करोगे तो आपकी गैलरी का ऑप्शन खुल जाएगा यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे आपको फोटो के लिए इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि किस तरह का फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। तो फोटो के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है सिलेक्ट फ्रॉम फोन पे, तो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा, जो भी फोटो आप लेना चाहते हैं उसको क्लिक कीजिए और वो फोटो आपका यहाँ पे आ जाएगा। देन आपको अपलोड नाउ पे क्लिक कर देना है यहाँ पे, तो ये फोटो के लिए आपका रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगा और आपके ATM कार्ड पे लग के आ जाएगा। अगर आपको अपनी फोटो यहाँ पे नहीं लगानी, इनके डिज़ाइंस में से अगर आपको कोई फोटो सिलेक्ट करना है तो आपको चूज़ फ्रॉम डिज़ाइन गैलरी पे क्लिक करना है यहाँ से, और यहाँ पे इनकी खुद की कुछ कैटेगरीज हैं, ये आप देख सकते हैं, आप कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे छोटा भीम सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो कोई भी फोटो यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे, ये आप देख सकते हो। इसके यहाँ पे कुछ फीचर्स है, चार्जेस है, आप इसको रीड कर लीजिए, ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है तो ही लीजिए, क्योंकि इसका 499 प्लस GST चार्जेस है, ठीक है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ही लीजिए, अगर नीड है तो आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है और ये आपका रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगा। तो चलिए इसके नेक्स्ट फीचर के बारे में जान लेते हैं, जिसका नाम है गेट गेमस्टोन कार्ड, ठीक है, ये रहा, हम इस पर करेंगे क्लिक। तो आप यहाँ पे देखोगे हर कार्ड के अलग अलग कैटेगरीज है, काफ़ी सारे कार्ड के कैटेगरीज है, हर कार्ड के अलग फीचर है, बेनिफिट्स हैं, ये आप देख सकते हो, और हर कार्ड के चार्जेस वगैरह भी अलग हैं। तो यहाँ डिटेल में हर कार्ड के बेनिफिट्स और फीचर यहाँ पे मेंशन है, अलग अलग सबके चार्जेस हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप रीड करके चाहे तो अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको ज़रूरत है तो, ठीक है, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको प्रोसीड पे करोगे तो अप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है रीइशू डेबिट कार्ड, अगर आपका कार्ड कहीं खो जाता है, डैमेज हो जाता है किसी रीज़न से, अगर आपको दूसरा कार्ड मंगाना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके नया कार्ड खुद से मंगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है यहाँ से, ये हमारा अकाउंट नंबर, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे कस्टमर नेम एंटर करना है, जो भी आपका नाम है वो कस्टमर नेम एज ए नेम एंटर करिए, जो भी आपका डेबिट कार्ड पे नाम मेंशन है, मैं यहाँ से नाम एंटर कर लेता हूँ। इसका नीचे आप देखोगे लिखा रहा है कि प्रीवियस कार्ड लिंक टू अदर कार्ड, अगर आपका कार्ड किसी अदर अकाउंट से लिंक था तो यस पे रहने देना, अगर नहीं था तो यहाँ से क्लिक करके इसको आप नो भी कर सकते हो। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे नो का भी ऑप्शन आ रहा है, तो मेरा कार्ड ये लिंक था, मैं इसको यस पे क्लिक रहने देता हूँ, ठीक है। ये आप देखोगे कि एड्रेस ऑटोमेटिक आ रहा है, आपका मोबाइल नंबर, मेल ऑटोमेटिक आ रहा है, आपको क्या करना, सिर्फ सबमिट कर दोगे तो कार्ड आपका रीइशू हो जाएगा, ठीक है, मेरे को अभी इशू नहीं करना। इसका जो नेक्स्ट फीचर आता है रिवॉर्ड पॉइंट्स का है, ये आप देख सकते हैं लास्ट में रिवॉर्ड पॉइंट्स, आप रिवॉर्ड पॉइंट्स पे क्लिक करोगे तो आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स भी चेक कर सकते हो, सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके शो हो जाएंगे, जो भी अवेलेबल रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली। और फ्रेंड्स अगर आपको जानना हो कि इसके रिवॉर्ड्स पॉइंट्स को आप कहाँ कहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हो, तो इसके लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे इसके रिवॉर्ड्स पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड इस तरह से आप डेबिट कार्ड को मैनेज कर सकते हो अपने ऐप से ही,
और वर्चुअल डेबिट कार्ड वाली चीज मेरे को काफी अच्छी लगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपना डेबिट कार्ड कैरी वगैरह नहीं करते और फोन में भी फोटो क्लिक करके नहीं रखते। तो अगर आपको शॉपिंग करनी हो ऑनलाइन तो ऐप से कार्ड डिटेल लेके इजीली आप शॉपिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जरूर बताइएगा, इसे आप अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप में शेयर कीजिए, हो सकता है कि किसी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।